प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की सरसों की खरीद के लिए जहां बड़े बड़े दावे किए गए, वहीं दादरी की अनाज मंडी में सरसों की खरीद के आधे अधूरे प्रबंधों के कारण पहले दिन सरसों की खरीद नहीं हो पाई। वहीं किसानों में भी दोहरे मापदंडों को लेकर संशय बना हुआ है। आढ़तियों से 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी मांगने पर अधिकारियों से काफी देर तक हंगामा किया गया और सरकारी खरीद का पूर्णतः बहिष्कार किया गया। साथ ही आढ़तियों ने निर्णय लिया कि कोई भी सरकारी खरीद करेगा तो उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना, जातीय बहिष्कार करते हुए ब्याह शादियों में भी निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। फैसला इस बात का लिया गया है, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मांगेगी और 10 लाख रुपए शेड्यूल जारी रखा इन्होंने, तो हम क्यों की सरसों की कोई खरीद नहीं करेंगे और मंडी को किसी को भी अजन नहीं बढ़ने देंगे, अन्ना मंडी में सरसों डालने देंगे। बहिष्कार इस बात को लेकर किया गया जो हमारे से 10 लाख रुपए मांगे गए और हमारे पे अन्य जो नाजायज सत्ते डाली गई थी उसके बारे में डीएम कृष्ण कुमार नरवाल ने 10 लाख रुपए सिक्योरिटी के ना एक आदमी से एक आदमी सारे व्यापारी 250 व्यापारी मंडी के लगभग लहसनदार हैं, जिनमें से कुछ नहीं आए हुए हैं, बाकी के 80% व्यापारी आए हुए हैं। सभी ने एक मत होकर फैसला लिया और अपने लेटर पॉइंट पर लिख के हम 30 तारीख को जूई के अंदर सीएम को देंगे, अगर सीएम ने हमारी मांग नहीं मांगनी तो हम इसका पूरे सीजन बहिष्कार करेंगे। ट्रैक्टर में गाल के सरसम ले आए थे, अखबार के माध्यम से पता चला था 28 को खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ना तो टोकन कट रहे हैं और जिस ऑफिस में जाते हैं वही एक बात कहते हैं अभी तो कुछ नहीं है भाई साहब। बोले अभी किसे आप कैसे लिया है मुझे अखबार के माध्यम से, बोला 1 तारीख से शुरू होगा, तो वो 28 से दे रखा है आपने अखबार में, तो ये भाड़ा ट्रैक्टर लिया था वो भाड़ा लगना लग रहा है सर जी, खड़े हैं और क्या करें। वो कह रहे हैं हमारी मीटिंग चल रही है डी सी ऑफिस में। सरकार तो इससे गंदी इससे भ्रष्ट सरकार आज तक ना तो बनी ना शायद बनेगी, मतलब किसानों के हित में इससे बकवास सरकार कोई हो ही नहीं सकती। इतना ढीला रवैया और इतना बकवास रवैया है जिसकी कोई हद नहीं है। हम तो जमींदार हैं जी, मतलब ना इतना परेशान कर रखे हैं इस सरकार ने, मतलब पूछो मत। अब सरकारी के लिए ले आए थे और सरकारी के लिए खड़े हैं, मतलब यहाँ पर कहाँ बेचे, मतलब बताओ। बाहर तो मतलब ये 3200-3300 रुपये मांग रहे हैं सर सरसम को, और सरकार का 4200 रेट है, ये 4200 ऊपर ले नहीं रहे, मतलब अभी तो मीटिंग बोल रहे हैं अखबार में देते हैं कि 28 से हम शुरू कर रहे हैं खरीद को। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।